हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज ये वीडियो होने वाली है इगास के ऊपर, जो कि एक लोकल फेस्टिवल है उत्तराखंड का। तो दरअसल ये दीपावली के ऊपर ही बेस्ड है। इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे तो वहाँ के लोगों ने दीपावली सेलिब्रेट करी उनके आने की खुशी में। बट उस टाइम ये जो सफ़र था अयोध्या से लेके यहाँ उत्तराखंड वाले रीजन तक का, इसमें 11 दिन लगे। तो जो खबर लेके आ रहा था उसने 11 दिन लगाए खबर पहुंचाने में। तो यहाँ के लोगों को दरअसल 11 दिन बाद पता लगा, तो उन्होंने दीपावली 11 दिन बाद सेलिब्रेट करी। तो तब से यहाँ ये इगास मनाया जाता है, जिसे बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं। तो हर किसी जो यहाँ का लोकल होगा उसे हर किसी को पता होगा कि इगास होता है। बट इसकी कभी भी छुट्टी नहीं मिलती थी, तो ये एक तरीके से ऐसी था कि ठीक है लोग मनाते हैं बट छुट्टी नहीं होती थी। इस बार पहली बार इसकी छुट्टी मिली है, तो इस चीज़ के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को मतलब काफ़ी खुश हुआ मैं कि चलो उन्होंने एक इनिशिएटिव तो उठाया यहाँ के लोकल फेस्टिवल्स को वापस जगाने का, तो ये एक अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि इगास पड़ रहा है, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे भी है आज, और ये संडे को पड़ रहा है, बट सरकार ने छुट्टी इसकी मंडे को दी है। तो इतनी खुशी हो रही है कि चलो ठीक है मंडे को भी इसकी छुट्टी मिल रही है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। और हाँ, अगर कोई बच्चा देख रहा है तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। यार अब हम लोगों को तो मज़ा आता नहीं है चिल्ड्रंस डे का, क्यों? क्योंकि हम कॉलेज में आ चुके हैं एंड वी आर एडल्ट नाउ, सारे मज़े ख़त्म हो चुके हैं। तो वैसे मैंने दीपावली के थोड़े पटाखे बचा के रखे हुए थे इगास के लिए, क्योंकि मैं हर बारी बचा लेता हूँ और मज़ा आता है यार, दो दो दीपावली रहती है, अच्छा लगता है, थोड़ा मज़ा आता है। तो बचा रखे हैं, उनको फोड़ूंगा शाम को। बट अभी यहाँ के जो गढ़वाली सिंगर्स हैं प्रीतम भड़तवा, नरेंद्र सिंह नेगी और शायद से जुबिन नौटियाल जी भी आ रहे हैं, तो वो आएंगे। यहीं पीछे बीजेपी की एक कार्यालय क्या बोलूँ, बीजेपी की ने एक उनका ऑफिस बनेगा इन फ्यूचर, बट उसमें ये प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, तो वहाँ पर तो मैं वहाँ भी जाऊँगा, आप लोगों को थोड़ी वीडियो भी दिखाऊँगा उस चीज़ की। और आप इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो देखना, अगर पसंद आएगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। बट अगर पसंद आई नहीं आई तो यू कोई नहीं, अगली वीडियो के लिए वेट करना, उसमें ज़रूर अच्छे से काम करूँगा। और यार इम्प्रूव कर ही रहा हूँ, अभी नया चैनल है, धीरे धीरे बोलना मतलब अब आप लोगों से कम्युनिकेट करना सीख रहा हूँ। थोड़ा सा पहले हिचकिचाहट टाइप की थी, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो आप लोगों के सपोर्ट बनाए रखना ताकि मैं भी खुल के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो इस वीडियो को करते हैं शुरू, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो ये कुछ पटाखे मैंने बचा के रखे थे इगास के लिए, ये देखिए मुर्गा छाप, और ये रॉकेट वगैरह, ये अनार मटके वाला, ये फॉइल वगैरह, कैन बॉम, हंटर वगैरह, और इन सब में ख़तरनाक चीज़ ये मैंने इसके आगे रॉकेट के आगे, डबल शॉट के आगे मैंने ये डायनामाइट लगाया, ये वाला, तो ये हाइड्रोफॉइल लगा दिया मैंने इसके आगे। और हाँ ये देखो, इसके आगे मैंने एक कैनन बॉम लगाया है, जो ये रविंद्रा का कैनन बॉम आता है ना, कैनन बॉम सेट किया है, मतलब मैंने दिवाली पे भी करा था, मज़ा आता है, काफ़ी जाते हैं। जैसे इसके अंदर मैंने ये मुर्गा छाप लगाए हैं, मज़ा आता है ऐसा सब करने में। अभी नहीं, जब फोड़ूंगा अभी ना तब दिखाऊंगा आप लोगों को। तो गाइस ये पिज़्ज़ा मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया भी, तो मज़ा आ गया। वैसे आप लोगों को दिखाता मैं वो जिस प्रोग्राम की मैं बात करता, इतना बेवकूफ बनाया जुबिन नौटियाल आ रहा, कोई जुबिन नौटियाल नहीं, भूबिन नौटियाल भी नहीं आया वहाँ, तो बहुत गंदा बेवकूफ बनाया, उतनी देर से बैठे थे वो, तो भगवान भला करे मेरे दोस्त को, उसने ये दे दिया। पर अब हम पहले पटाखे फोड़ेंगे, देखेंगे जुबिन नौटियाल को बाद में अगर आएगा तो। वहाँ पर डिस्प्ले में उन्होंने गाने चला रखे हैं, ऐसे करना होता मैं घर पर बैठ के देख लेता। डोंट एवर बिलीव पॉलिटिशियंस। थ्री टू वन ओ नो गाइस, ये देखो रॉकेट फोड़ने जा रहा है,
और लोग भी जा रहे हैं, कहीं उनकी उनके ना लग जाए। चला देखा, इसमें मैंने मुर्गा छाप रखे। ये देखिए कांडी आदमी है, ये मुर्गा छाप उसके ऊपर चिपकाए हैं ताकि वो जब अरे वो तो बुझ गया, दूसरा बम भी फट गया यार। इन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, पहले से मुर्गा छाप ही लगा दिया उसके ऊपर, कोई डायनामाइट लगा दिया, वो इतना जोर से फट रहा है ऊपर जाके। गया 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 गया। ओ गाइस मैं आपको दिखाऊं कैसे आवाज इतनी सॉलिड रहती है ना इसकी, सुनिए। ओह माय गॉड, और इस तरीके से हमने किया ईगास सेलिब्रेट। जुबिन नौटियाल जी तो आए नहीं, बेवकूफ़ बना, पर आप बेवकूफ़ मत बनिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।